अफगानिस्तान में भारतीय पत्रकार की हत्या की जानकारी मिल रही है। कंधार में पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या। पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित थे दानिश सिद्दीकी, जिनकी हत्या की जानकारी मिल रही है। ये बेहद दुखद खबर। अफगानिस्तान में भारतीय पत्रकार की हत्या की गई। कंधार में पत्रकार दानिश सिद्दीकी को मार दिया गया। ये बड़ी खबर, दुखद खबर। फोटो जर्नलिस्ट पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित थे दानिश सिद्दीकी। अफगानिस्तान में भारतीय पत्रकार की हत्या की खबर ये आ रही है हमारे पास, जहां कंधार में मौजूद थे और इसी के चलते उनकी जान ले ली गई। बड़ी खबर, दुखद खबर, जिसने सबको परेशान कर दिया, झकझोर दिया। अफगानिस्तान से ये जैसे ही खबर हमारे पास पहुंची, सबसे पहले जी न्यूज के माध्यम से हमने आप तक पहुंचाई। फोटो जर्नलिस्ट थे दानिश सिद्दीकी और जबरदस्त तरीके से अपने पेशे से जुड़ाव, जुनून, पैशन, अफगानिस्तान में जिनकी जान ले ली गई। दानिश सिद्दीकी, जिनकी मौत की खबर ने सभी को परेशान कर दिया है, झकझोर दिया है, एक भारतीय पत्रकार की जान ले ली गई अफगानिस्तान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अफगानिस्तान में हालात बिगड़े, तालिबान का आतंक लगातार दहशत फैला रहा है और लोगों की जान ले रहा है, जिसमें भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी, जो फोटो जर्नलिस्ट थे, उनकी भी जान ले ली गई। सवाल यही है कि आखिर इस तालिबान आतंक का अंत कब होगा? बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अफगानिस्तान में भारतीय पत्रकार की हत्या की ये खबर। कंधार में पुलित्जर अवार्ड विजेता फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। अफगान की स्पेशल फोर्स का मिशन कवर कर रहे थे। पुलित्जर अवार्ड विजेता भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की कंधार में हत्या कर दी गई। अफगानिस्तान के एम्बेसडर फरीद ममूदे ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी अपने ट्विटर हैंडल पर। दानिश की हत्या उस वक्त की गई जब वो स्पिन बोल्डक जिले में मौजूद थे। हत्या किसने की और इसकी वजह क्या थी, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन लगातार अटकलें, कयास लग रहे हैं, तस्वीर साफ होनी बाकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलित्जर अवार्ड विजेता भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की कंधार में हत्या कर दी गई। अफगानिस्तान के एम्बेसडर फरीद ममूदे ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी अपने ट्विटर हैंडल पर दी। दानिश की हत्या उस वक्त की गई जब वो स्पिन बोल्डक जिले में मौजूद थे, लेकिन हत्या के पीछे वजह क्या रही, किसने हत्या की, ये कब से षड्यंत्र रचा जा रहा था, किस संगठन की ये साजिश, इस पर जानकारी आनी बाकी है। लेकिन अभी पुख्ता तौर पर तस्वीर साफ नहीं हो पाई है कि आखिर इस हत्या के पीछे वजह क्या थी, मकसद क्या था, क्यों एक पत्रकार को मौत के हवाले किया गया। कंधार में पुलित्जर अवार्ड विजेता फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की हत्या अफगान की स्पेशल फोर्स का मिशन कवर कर रहे थे। निर्भीक पत्रकार जिन्हें किसी चीज का कोई डर नहीं था,
अपनी जान पर खेलकर इस कवरेज को कर रहे थे, लेकिन शायद ही किसी को मालूम था कि जान से ही हाथ खो बैठेंगे। इस हत्या के पीछे मुख्य तौर पर वजह क्या रही, किसने इस घटना को अंजाम दिया, इस पर अभी तस्वीर साफ होनी बाकी है। लेकिन ये बड़ी खबर जिसने झकझोर दिया है, परेशान कर दिया है, तमाम सवाल जिनके जवाब नहीं है कि आखिर एक फोटो जर्नलिस्ट, पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित दानिश सिद्दीकी अफगानिस्तान में क्यों मौत के हवाले हो जाते हैं, क्यों उनकी जान ले ली जाती है। लेकिन इस पर जैसे से जानकारी मिलेगी आप तक पहुंचाएंगे। इस खबर ने वाकई परेशान कर दिया है। और जो जानकारी हमारे पास आ रही है वो यही कि अभी तस्वीर साफ होनी बाकी है, जांच के बाद ही ये पता चल पाएगा। दिल्ली के रहने वाले दानिश सिद्दीकी की अफगानिस्तान के कंधार में हत्या कर दी गई, लेकिन क्यों, इसके पीछे वजह क्या रही, दानिश सिद्दीकी का गुनाह क्या था, उन्होंने ऐसा क्या गलत काम कर दिया जो उनको मौत के घाट उतार दिया गया। दानिश सिद्दीकी अफगानिस्तान में रॉयटर्स के पत्रकार थे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी हम लेंगे हमारे संवाददाता रविंद्र सिंह से। रविंद्र, दिल्ली के रहने वाले दानिश सिद्दीकी की अफगानिस्तान के कंधार में हत्या कर दी जाती है, आखिर इसके पीछे वजह क्या है? रॉबिन, अभी अभी जो ये दुखद समाचार मिला है उसके उस दौरान तो अभी तक तो यही मालूम पड़ा है कि वहाँ पे स्पिन बोलोक जो अफगानिस्तान का जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे तालिबानों ने अपना कब्जा कर लिया है, इस तरह के वो क्लेम किए कर रहे हैं, और वहाँ पे क्लैशेस में अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हुई है। अभी तक तो यही जानकारी मिली है। इसके अलावा अभी बाकी अभी डिटेल्स आनी बाकी है। जब जो हमें जिस वक्त पता लगा, मुझे याद है मैंने उनसे मैं मिला भी हूँ एक दो कवरेजेस के दौरान, स्माइलिंग फेस और बड़े हम्बल। क्या ये कवरेज के दौरान हत्या की गई है? ये वहाँ पे कवरेज पे ही थे और क्लैशेस में जो वहाँ पे झड़प हुई है, अभी इतना ही जानकारी आई है कि क्लैशेस के दौरान उनकी उनकी मौत हुई है, लेकिन बाकी डिटेल अभी आनी बाकी है इसमें। ठीक है, अभी इसमें जानकारी जैसे से मिल रही है वैसे हम अपने दर्शकों के साथ साझा करेंगे, लेकिन अभी जो मौजूदा जानकारी हमारे पास है वो यही कि कवरेज के दौरान उनकी हत्या कर दी गई। दानिश सिद्दीकी जो भारतीय पत्रकार रॉयटर्स के लिए काम करते थे, पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित। रॉबिन हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रॉबिन, आपको आवाज मिल रही है? जी मिल रही है। अभी जो पिक्चर्स आई हैं उनकी, जिस तरह जब उन्हें शूट किया गया वो मैंने शेयर की है, वो शायद अभी दिखाने लायक नहीं है वो पब्लिक में, लेकिन मैंने डेक्स पे शेयर की है वो पिक्चर्स, जिसमें उन्होंने जो बुलेट प्रूफ जैकेट है वो पहनी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद उन्हें गोली लगी है। वो क्लैशेस में किस तरह उनके आसपास खून बिखरा हुआ है उन पिक्चर्स में दिखाया गया है, और बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और अफगानिस्तान के एम्बेसडर जो इंडिया में हैं उन्होंने भी इस पे दुख व्यक्त किया है, उन्होंने ट्वीट किया है अभी थोड़ी देर पहले, और हमारे जितने भी फ्रटर्निटी के मेंबर्स हैं वो अपने अपने संवेदना व्यक्त कर रहे हैं ट्वीट के माध्यम से। बिल्कुल, लेकिन रॉबिन ये भी जानना चाहेंगे, क्या सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ थे उसके बाद इस तरह की ये घटना? उनकी जो पिक्चर अभी सामने आई है, उन्होंने वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, अब वो तब उतार के बाहर रखी गई, और जब कवरेज पे फोटोग्राफर्स या मीडिया कर्मी जब होते हैं तो ऑब्वियसली वो कवरेज में होंगे जब उन्होंने ये पहनी होगी ये वाली, और उस दौरान ही उनपे जब ये फोर्सेस तालिबान फोर्सेस के साथ, तालिबान ने अफगान फोर्सेस के साथ जो अटैक किया है
उस दौरान उनको किस तरह क्षति पहुंची है, ये भी अभी और डिटेल की हमें इंतजार करना चाहिए। ठीक है, अफगानिस्तान के एम्बेसडर फरीद ममूदे ने ट्वीट करके इस खबर की जानकारी दी है अपने ट्विटर हैंडल से, और कहा कि दानिश की हत्या उस वक्त की गई जब वो स्पिन बोल्डक जिले में थे। हत्या किसने और क्यों की, इसकी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।